जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाश को मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम असद पुत्र अमीर अहमद निवासी नौचंदी मेरठ बताया है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा में जिंदा खोखा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही इसी वर्ष 3 मार्च को हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट की घटना में भी बदमाश वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रतिदिन रात्रि को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग की जा रही है। उसी के क्रम में आज थाना गढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी फुलड़ी नहर के पास, तभी द्वारा मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश फुलड़ी नहर की तरफ से आ रहा है। पुलिस पार्टी जब चेक कर रही थी तो उसे एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस पार्टी पर फायर करता हुआ भागने लगा। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उस बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। उसे हमने प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम असद पुत्र आमिर, जो नौचंदी मेरठ का रहने वाला है, बताया है। और ये थाना हापुड़ नगर में लूट की एक घटना में 25,000 का इनामी भी है। और हमने इसका आपराधिक इतिहास खंगाला है तो लगभग 8 मुकदमे इसके आपराधिक इतिहास में, जो कि चोरी लूट और हत्या के प्रयास में पाए गए हैं। और इसके कब्जे से हमें एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस बरामद हुआ है और इस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। रविवार की देर रात गढ़मुक्तेश्वर पुलिस फुलेड़ा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उसने सामने से आ रहे बदमाश को रुकने का इशारा किया, जिसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। 25,000 के इनामी बदमाश असद को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके कब्जे से पुलिस ने असला में जिंदा और खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर आदि बरामद किया है।